मिनटों के बाद यानी करीब एक घंटे के बाद कोल्ड ड्रिंक में मौजूद फॉस्फोरिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक जैसे मिनरल्स को शरीर की स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में भेज देता है। इस वजह से आप यूरिनेशन के लिए मजबूर हो जाते हैं, यूरिनेट करने लगते हैं। इस तरह आपके शरीर में कोल्ड ड्रिंक के जरिए पहुंचा हुआ सारा पानी शरीर से बाहर निकल जाता है। इसके अलावा कैफीन और फॉस्फोरिक एसिड की मौजूदगी की वजह से कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक जैसे खनिज आपकी हड्डियों तक नहीं पहुंच पाते और आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। 60 मिनटों के बाद आपका शरीर थका हुआ महसूस करने लगता है और शरीर में मौजूद जरूरी पोषक तत्व भी बाहर निकल जाते हैं और इससे आपकी हड्डियों और दांतों को नुकसान पहुंचता है और आपका शरीर ठीक तरह से हाइड्रेट नहीं हो पाता। यानी कोल्ड ड्रिंक आपके शरीर में मौजूद पानी को सुखा देती है। इसका मतलब है प्यास बुझाने के लिए पी जाने वाली कोल्ड ड्रिंक असलियत में आपकी प्यास को बढ़ा देती है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स सिर्फ आपके शरीर को ही नहीं बल्कि धरती के शरीर को भी सुखा रही है। एक नामी कोला कंपनी द्वारा कराए गए एक रिसर्च के मुताबिक आधे लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को तैयार करने में करीब 35 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है।